नमस्कार, मैं अरिन कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। आज से दिल्ली में बड़े स्तर पर सियासी संग्राम शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज चुनावी मैदान में 18 मई 2024 चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ पीएम की जनसभा से पहले दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ बाकी के नेताओं ने शुक्रवार शाम को जनसभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पीएम मोदी की रैली ऐतिहासिक रैली होगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह जनता को दिखेगा। साथ ही इसे लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जो एक ग्लोबल लीडर है हमारा मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। क्षेत्र के लोग अपने लोकप्रिय पीएम को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं और हर कोई उन्हें करीब से देखना और सुनना चाहता है, इसलिए रैली ऐतिहासिक होगी जिसके लिए दिल्ली भाजपा ने व्यापक व्यवस्था की है। आपको बता दें, इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है और दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। डीडीए ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी की रैली के वक्त एसपीजी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस की 4-लेयर सिक्योरिटी में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, रैली स्थल और उसके आसपास भीड़ को संभालने और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करीब 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। रैली स्थली और उसके आसपास के इलाकों की स्कैनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा शनिवार को रैली से पहले स्प्रिंगफन टॉल बम स्क्वाड टीम स्कैनिंग करेगी। वहीं राहुल गांधी की रैली को लेकर दिल्ली कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज ने बताया है कि राहुल गांधी शनिवार शाम 6 बजे अशोक विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि इस रैली का असर जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, पीएम मोदी का या राहुल गांधी का।